मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रीनगर स्थित सुमाड़ी में एनआईटी के स्थायी कैंपस के लिए लगभग 910 करोड़ रुपए की स्वीकृति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेशवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। एनआईटी के स्थायी कैंपस के निर्माण से प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही क्षेत्रवासियों की आर्थिकी भी संवरेगी। करोड़ रुपया जी सर भारत सरकार से अनुमन्य हुआ है जी सर, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री जी, उन्होंने जिस तरह से उसके लिए एफर्ट किए, प्रयास किए, एनआईटी का जो निर्णय है उससे मुझे लगता है कि उत्तराखंड को बहुत बड़ा लाभ भविष्य में मिलेगा। जो बच्चे हमारे अभी जयपुर में पढ़ रहे हैं जी सर, अब ऐसी स्थिति नहीं आएगी, बच्चे यहीं पर पढ़ेंगे और उत्तराखंड की जो बहुत ही स्वास्थ्यप्रद आबोहवा है जी सर, उसका भी आनंद ले सकते हैं। वहीं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि संस्थान के लिए धनराशि की मंजूरी से राज्य की बड़ी मांग पूरी हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार का भी धन्यवाद दिया है।